देवेंद्र के पास हम चल लेते हैं। देवेंद्र, सब कुछ समाहित था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में, उनकी सरकार क्या काम करेगी, विपक्ष से क्या अपेक्षा है और विपक्ष का कौन सा चेहरा वो इस वक्त सदन में देखना चाहते हैं सहमति के साथ। बिल्कुल प्राची, उससे यह समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बखूबी एहसास है कि अपोजिशन क्या करने वाला है और एक तरह से उन्होंने नसीहत दी है। पिछले 3-4 सत्रों को देखें, 17वीं लोकसभा के और 18वीं की, तो इन 3-4 सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब संसद सत्र के पहले दिन बयान देने आते हैं तो उसमें ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि अपोजिशन को एक नसीहत दे दें कि अपोजिशन जिस प्रकार का हंगामा कर रहा है वो ठीक नहीं, और वही कोशिश उनकी आज भी थी। निश्चित तौर पर अपोजिशन के लोग इसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि कल के दिन की बात करें तो 25 जिन को बार बार इमरजेंसी की याद दिलाना बीजेपी के द्वारा ये कोशिश की जाती है बताने की कि लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस का अपना इतिहास कितना धब्बेदार है, और वो कांग्रेस अगर डेमोक्रेसी के मामले में बीजेपी पर आरोप लगाती है तो उसका कोई मतलब नहीं। ये कोशिश की जाती है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। आज तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को याद दिलाया। कल हम देखेंगे कि देश भर में बीजेपी इस मसले को लेकर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बयान देगी, कई जगह प्रदर्शन भी कर सकती है। तो ये एक रणनीति नज़र आ रही है कि लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा भी अपोजिशन को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस प्रकार के तेवर वो दिखाएंगे, और समझा जा सकता है कि अगर दोनों पक्ष इस प्रकार के मूड में हो तो गर्माहट कितनी ज्यादा रहने वाली है संसद में। बिल्कुल, देखिए सरकार कतई भी डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान उनके संबोधन से साफ हो गया है, आपातकाल की याद दिलाई है और सीधे तौर पर चेहरा साफ करने की कोशिश की है विपक्ष की, बताने की कोशिश की है कि लोकतंत्र खत्म करने का आरोप आप हम पर लगाते हैं जबकि आपका इतिहास ही बड़ा धब्बेदार है। क्या कुछ कहा पीएम ने, एक बार फिर से सुनवाते हैं। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है, यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। 18वीं लोकसभा का हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, हिंदुस्तान की संस्कृति में क्या महत्व है, 18 अंक का क्या महत्व है, ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बताया है। सरकार की नीयत क्या रहेगी, नीति क्या रहेगी और क्या नसीहत विपक्ष को देनी है, ये भी पीएम ने बता दिया है। अब देवेंद्र, वो तमाम नैरेटिव जब से सरकार का गठन हुआ तब से चलाने की कोशिश की जा रही थी कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर बड़े नरम रहेंगे, इस बार सरकार उतने बहुमत के साथ नहीं बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार नहीं बना रही है, बैसाखियों वाली ये सरकार है, लेकिन पीएम के इस बयान ने, संबोधन ने इन तमाम नैरेटिव्स को डैमेज कर दिया है, खत्म कर दिया।
बिल्कुल प्राची, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक डीएनए को अगर आप देखें तो कभी ऐसा लगता भी नहीं कि वो ऐसे मुद्दों पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार होते हैं जहां उन्हें नहीं करना चाहिए। वो अपने कन्विक्शन के हिसाब से चलते हैं, और उसी कन्विक्शन के हिसाब से आपने देखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो अपना कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद जब वो दिल्ली आए तो वो एक कंटिन्यूटी में नज़र आता है। उसमें ही नंबर्स गेम को लेकर बहुत ज़्यादा स्थिति कोई बदलेगी इसका कोई मतलब इस बारे में कुछ कल्पना करना भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेमानी था। और दूसरी चीज़ कि ये नंबर्स ऐसे नहीं है कि बीजेपी बहुत कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में हो। अगर ये नंबर्स 200-210 के आसपास होते और तब बाद में आपको अलायंस जोड़ के सरकार बनाने की नौबत आई होती तो वो स्थिति अलग हो सकती थी। ये नंबर्स तो ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है कि बीजेपी ने किस प्रकार से प्री पोल जो अलायंस किया था उस प्रीपोलेंस के अलायंस के चलते 272 के ज्यादा भी आंकड़े से काफी ऊपर है। और वहां पर अगर अलग अलग दलों की भी बात कर लें, चाहे जेडीयू की बात कर लें या टीडीपी की बात कर लें, उन पर वैसी डिपेंडेंसी नहीं है कि उनमें से कोई एक अलग हो गया तो ये सरकार गिर जाएगी। तो तेवर तो बिल्कुल कम उसमें बदलाव नहीं आने वाला है, और विपक्ष को लेकर तेवर तो बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है। हाँ, सहयोगी दलों को लेकर जरूर तेवर बदला जा सकता है, क्योंकि पहले की जो स्थिति थी और अब की जो स्थिति है उसमें बदलाव है। प्राची, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइन साफ कर दी है, सरकार का रुख क्या होगा सदन के अंदर ये पीएम ने अपने संबोधन से बता दिया है।